और अब बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां के तवा नगर में तवा डैम देखने पहुंचे चार युवक और बीच नदी में फंस गए। तस्वीर खिंचवाने के शौक में चारों युवक डैम के पास बीच नदी में चट्टान के पास जा पहुंचे। डैम के गेटों से छोड़े जा रहा पानी के कारण अचानक जलस्तर बढ़ गया और युवक पानी के बीच फंस गए। युवक मदद के लिए आवाज लगाने लगे। डैम देखने पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए चारों युवकों को बचा लिया। लकड़ियों के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया जा सका, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। युवकों के नदी में फंसे रहने और रेस्क्यू करने का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं चारों युवकों ने ग्रामीणों को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े से जारी बारिश के चलते तवा डैम लबालब हो गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के गेट खोलकर पानी छोड़े जा रहे हैं, जिसके देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण और पर्यटक तवा डैम पहुंच रहे हैं। कई लोगों के द्वारा पानी के पास जाकर फोटो भी खींची जा रही है। पर्यटकों के द्वारा सतर्कता नहीं बरती जा रही है। ऐसे ही घटनाक्रम शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ, जहां दोपहर में 9 गेट खुले होने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। डैम के दूसरे साइड बाबाई क्षेत्र की तरफ से करीब 4 युवक फोटो खिंचवाने के लिए पानी के बीच की चट्टान पर पहुंच गए। अचानक जिस रास्ते से युवक चट्टान तक पहुंचे थे, वहां डैम से छोड़े जाने वाला पानी भर गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने मदद कर बड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें कि तवा डैम के शनिवार को 13 गेट खोल दिए गए हैं। संभवतः रविवार को भी गेट खुले रहेंगे। छुट्टी होने से रविवार को हजारों सैलानी डैम पहुंचेंगे। डैम पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं होने के कारण कई बार लापरवाही के चलते पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ जाती है, जिस पर प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसे में डैम पर सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।